Pope takes a poop, and the president too, and the fancy grand banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to DMK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video, we were talking about the different types of model for the asymmetric synthesis, okay? And we were study Cram model, Falcon N model, and Cram-Killett model, okay? This all model we study in a previous video, and we study where all the concept with 3D model, okay? Now today I am going to discuss about the dipolar model, and after that we will discuss the comfort model, okay? So now let's get continue our lecture. If you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel, where I have organized all the particular video for this particular topic, okay? So today our topic is dipolar model. Dipolar model, okay. ओके तो सबसे पहले चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि डाइपोलर मॉडल में जो कॉन्सेप्ट होगा वो कैसा कॉन्सेप्ट होगा, इसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कौन से कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे. अप्लाई तो वहीं करेंगे जहाँ क्या हो, कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना. तो जो डाइपोलर मॉडल में है, इसमें देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है डाइपोलर, मतलब क्या होंगे, कोई दो पोलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे इसमें, ओके. तो देखिए डाइपोलर मॉडल के लिए जो रूल है वो सबसे पहले हम लोग रूल को स्टडी करते हैं ना, कि कौन कौन से रूल है, और जो हम लोग मॉडल बनाएंगे उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना. वो जो मॉडल होगा उसमें जो डाइपोलर मॉलिक्यूल होगा वो कार्बोनिल ऑक्सीजन के सीन रखे या फिर एंटी रखे, है ना. न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से कराए वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं, ओके. फिर हम लोग क्या करेंगे, जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे, ओके. सो रूल नंबर वन, पोलर ग्रुप must be present at alpha position of रूल नहीं है, है ना. पहले ये क्या है, कॉन्सेप्ट है ना. हम लोग कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या क्या होगा, रूल उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ना. कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले स्टडी करते हैं. पोलर ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजिशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, ओके. मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन जो रहेगा उसके अल्फा पोजिशन पे क्या होगा, कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. अब पोलर ग्रुप कौन कौन से होंगे ये मैंने आप लोगों को क्रैम-किलेट मॉडल में बताया था, है ना. कौन कौन से पोलर ग्रुप हो सकते थे, OH, OME, है ना, OR, NHR, NR2, ये सब मैंने आप लोगों को क्रैम-किलेट मॉडल में बताया था पोलर ग्रुप, ओके. उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, इसमें कोई मेटल लेंगे, और मेटल ऐसा मेटल लेंगे जो क्या हो, किलेशन में पार्टिसिपेट ना करे, मेटल विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन किलेशन, ओके. ऐसा मेटल लेंगे जो क्या करे, किलेशन में पार्टिसिपेट ना करे. तो कौन कौन से मेटल थे जो किलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, कौन था,
सोडियम था और पोटेशियम था, ओके। और कभी कभी क्या करता था, लिथियम भी नहीं करता था। किसके साथ नहीं करता था? इस आर ग्रुप के साथ और एन बी एन के साथ। ओके, तो ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइपोलर मॉडल का, है ना। क्या होना चाहिए, जो भी हमें कंपाउंड दिया रहेगा उसमें कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पोलर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इस तरह के, ओके। सेकेंड है मेटल होना चाहिए, और मेटल भी ऐसा मेटल होना चाहिए जो क्या करे, चिलेशन में पार्टिसिपेट ना करे, है ना। अगर वो चिलेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो उसे हम लोग किस मॉडल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्रैम-किलेट मॉडल के थ्रू। लेकिन हम लोग यहाँ पास कौन सा मेटल ले रहे हैं, ऐसा मेटल ले रहे हैं जो क्या करे, किलेशन में पार्टिसिपेट ना करे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और अगर हमारे पास अल्फा पोजीशन पे एस आर पोलर ग्रुप है या फिर एन बी एन है ना, बल्कि पोलर ग्रुप है, जिसके साथ क्या करता है, लिथियम किलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डाइपोलर मॉडल को हम लोग क्या है करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब चलिए समझते हैं इसका रूल, है ना, इसका जो रूल जो है वो क्या बोलता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो रूल नंबर वन, पोलर ग्रुप एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन, मस्ट बी सीन, नहीं होगा ना, एंटी, ओके, एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके। अगर आप लोगों को राइटिंग स्मॉल लग रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा ना, जिससे आप लोग को क्लियर दिखेगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, कैमरे जैसा है ना, जो कैमरा होता है उसके जैसा क्वालिटी नहीं आता, तो आप लोग क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट रूल क्या है, जो पोलर ग्रुप होगा और कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, है ना। अब एंटी कैसे होना चाहिए, देखिए, ओके। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ओएमई क्या हो गया, पोलर ग्रुप, इसके पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या हो गया हमारा, कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब कार्बोनिल ऑक्सीजन की ये क्या है, अल्फा पोजीशन पे है, ओके। तो फर्स्ट रूल होता है, पोलर ग्रुप एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन मस्ट बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू इच अदर। देखिए ये क्या हो गया हमारा, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया हमारा, पोलर ग्रुप, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ बस एक दूसरे के एंटी हो गए, ओके। अब रूल नंबर सेकेंड, उसके बाद हम लोग सभी रूल को अप्लाई करेंगे, है ना, कंपाउंड में। रूल नंबर सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल, है ना, जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी हम लोग अभी तक मॉडल देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो हो रहा है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या बन रहा है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड
न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट, ओके, मतलब लेस हिंडर्ड साइट से न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, और यू कैन से इट स्मॉल एटम साइट, स्मॉल एटम साइट, है ना। मतलब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है और ये लार्ज है, है ना। पोलर ग्रुप को हमेशा क्या करोगे आप लोग, लार्ज ग्रुप कंसाइडर करेंगे, है ना। जो भी पोलर ग्रुप होगा उसे हमेशा क्या करना आप लोग, लार्ज ग्रुप कंसाइडर करना, ओके। जब डाइपोलर मॉडल का कॉन्सेप्ट रहेगा तब आपको क्या करना है, पोलर ग्रुप को लार्ज ग्रुप की तरह आपको कंसाइडर करना है, ओके। सेकेंड रूल हो गया। अब सेकेंड रूल को अगर हम लोग अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये पीएच हो गया, CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर OME हो गया। हम मैं क्या लेता हूँ, कोई ऐसा रिएजेंट लेंगे जिसमें मेटल प्रेजेंट हो लेकिन वो मेटल क्या करे, चीलेशन में पार्टिसिपेट ना करे, है ना। तो मैं कौन सा मेटल ले सकता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड ही ले सकता हूँ रिएजेंट, है ना, जो Na पॉजिटिव होते हुए क्या करता है, चीलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H- जो है अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये H- जब इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो आप लोग देखिए कहाँ से अटैक करेगा, मैंने क्या बोला है सेकेंड रूल में, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट या फिर स्मॉल एटम साइट, मतलब स्मॉल एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो कहाँ से अटैक करेगा, हाइड्रोजन कौन सी साइड में है, कौन सी साइड में है, हाइड्रोजन बैक साइड में है ना, बिलो में है, तो कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा, ओके। सो बिलो से अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए जब H माइनस क्या है, बिलो से अटैक करेगा तो बिलो में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और अबाव में हमारा क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, ओके। यहाँ पर pH और यहाँ पर क्या रहेगा, CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर OMe ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ओके। सिंपल से सिर्फ दो पॉइंट आपको याद रखना है, पोलर ग्रुप कार्बोनिल ऑक्सीजन एंटी होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट या फिर स्मॉल एटम के साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, है ना। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इसे सीन क्यों नहीं रख रहे हैं, एंटी क्यों रख रहे हैं, किस वजह से हम लोग सीन क्यों नहीं रख रहे हैं, तो चलिए उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग सीन क्यों नहीं रख रहे हैं, है ना। देखिए हम लोग को सीन कब रखना पड़ता है, जब मेटल क्या करे, किलेशन में इन्वॉल्व हो, तब हम लोग सीन रखते थे, क्यों, क्योंकि किलेशन से हमें क्या मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, क्या क्या बेनिफिट मिल रहा था वो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने क्रैमकलेट रूल बताया था तो आप लोगों को बताया था, तो उससे हमें क्या मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था किलेशन की वजह से, इसी वजह से तो हम लोग उसे सीन रखते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पास एंटी क्यों रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या हो रहा है, किलेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं सीन रख दूं, चलिए मैं सीन रख के आप लोग को बताता हूँ, अब देखिए यहाँ पास क्या है, पोलर ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन, यहाँ पास क्या है, सीन है, और मैंने रिएजेंट ले लिया है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। अब NaBH4 क्या करता है, NaBH4 तो चिलेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, है ना। अगर देखिए मैं आप लोग को मॉडल के थ्रू बताऊं इसे, समझिएगा इसको, है ना, ओके। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ये हमारा वाई एटम क्या हो गया, फिनाइल हो गया, है ना। अभी कंसीडर कर लेते हैं कि वाई एटम हमारा फिनाइल है, ओके। ये ग्रीन एटम क्या है, अबाव में है, फ्रंट में है, तो फ्रंट में देखिए आपके फ्रंट में कौन सा है, ग्रीन एटम, ये हमारा क्या है, मिथाइल, और बैक में क्या है, हमारा रेड एटम, रेड एटम क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन, और देखिए ऑन द प्लेन में क्या है, हमारा OMe ग्रुप है, तो ये जो एटम है ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, हमारा ब्लैक एटम मिथाइल है। अब देखिए जब मैंने सीन रखा इन दोनों को, तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है,
एक टाइप से यहाँ पास क्या है देखिए, CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन, ये pH है ना। यहाँ पास क्या है देखिए, ये क्या है हमारा कार्बन एटम, और ये क्या हो गया ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम क्या होता है कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पास क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पास क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे यहाँ पास भी ऑक्सीजन एटम, यहाँ पास कार्बन एटम, यहाँ पास भी क्या आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल निगेटिव चार्ज और ये पार्शियल निगेटिव चार्ज जब हम लोग सीन रख रहे हैं तो एक दूसरे के क्या आ गए बहुत ही क्लोज आ गए, है ना। अब एक दूसरे के क्लोज आ गए तो इनमें क्या होगा रिपल्सन होने लग जाएगा, क्या होगा इनमें रिपल्सन होगा। क्यों क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो किलेशन हो ही नहीं रहा है, तो हमें जो बेनिफिट मिल रहा था किलेशन से वो तो यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे रिपल्सन को अवॉइड तो करेंगे ना, यहाँ रिपल्सन हम लोग क्या होने देंगे जब किलेशन नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग सील रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इनमें रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन की वजह से सिस्टम क्या हो रहा है अनस्टेबल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको सील नहीं रख रहे हैं। अब देखिए सीन ना रखिए, अगर मैं इसको एंटी रखूं तो देखिए, अगर मैं इसे एंटी रख रहा हूं, ये देखिए अब क्या हो गया ये एंटी हो गया। तो अब एंटी हो जाने से ये क्या हो गया, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या हो गया बहुत ही फार हो गए, है ना, बहुत ही दूर हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा इनमें जो है जो डाइपोलर इंटरेक्शन हो रहा था वो यहाँ पास क्या होगा नहीं होगा, जिसकी वजह से रिपल्सन नहीं होगा और सिस्टम हमारा स्टेबल बना रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं इसे एंटी ले रहे हैं, ओके। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। है ना, अगर डाइपोलर मेथड आप लोग अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो देखना अगर क्वेश्चन में पोलर ग्रुप एंटी नहीं रहेगा सीन रहेगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा रोटेट करके उसे एंटी बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिएक्शन कराना है। ओके, चलिए हम लोग और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया वही ग्रुप। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कंपाउंड में, सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो कि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना। तो सबसे पहले देखिए पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है हमारा पोलर ग्रुप। ओके, अब पोलर ग्रुप कैसा है, है ना, ये क्या हो गया हमारा पोलर ग्रुप हो गया। ओके, अब हम लोगों को मेटल देखना है, मेटल कौन सा हम लोगों ने लिया है, मेटल कौन सा लिया है, लिथियम लिया है। अब आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि लिथियम के साथ जो ये सल्फर ग्रुप है वो क्या करता है किलेशन करता है कि नहीं करता है। तो इससे जस्ट पहले मैंने बताया कि लिथियम क्या करता है SR और NBN2 के साथ जो है किलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए किलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर तो किलेशन का कोई चांसेस ही नहीं है होने का, तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डाइपोलर मॉडल अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले कंपाउंड के देखिए कि डाइपोलर मॉडल के लिए ये जो रूल है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे फर्स्ट रूल, कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड पोलर ग्रुप मस्ट बी एंटी। तो देखिए यहाँ पर एंटी है क्या, एंटी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो आप लोग एंटी बनाओ, है ना, क्या करेंगे रोटेशन करा के क्या करेंगे सबसे पहले एंटी बनाएंगे। ओके, दो रोटेशन के लिए मैंने जो आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था 120 डिग्री 60 डिग्री और 180 डिग्री, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रोटेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पास मिथाइल है। अब मुझे क्या करना है, ये SR ग्रुप को हमें क्या लाना है, एंटी लाना है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये जो तीनों ग्रुप है हमारा SR हो गया, हाइड्रोजन हो गया, pH हो गया, इसको क्या करो अलग कर लो, है ना। सबसे पहले क्या करो इसको अलग कर लो, बाकी ग्रुप को यहीं पास रहने दीजिए, है ना, इसको काला कर लो आप लोग
बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए ये हमारा पीएच हो गया। अब देखिए राइट साइड में क्या रहता है, हमारा फ्रंट वाला आइटम, तो राइट साइड में क्या करो, एसआर को रख दो, ओके। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहता है, बिलो वाला रहता है, तो लेफ्ट साइड में हमको हाइड्रोजन कर देना है, है ना। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस एसआर को क्या करना है, यहाँ पर लाना है ना, इस पोजीशन पे लाना है एसआर को, तभी तो मेरा क्या होगा, पोलर ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन एलटी होगा। तो मैं क्या करूँ, 60 डिग्री रोटेशन करा सकता हूँ। वो भी कैसा रोटेशन कराऊँ, क्लॉकवाइज। अब 60 डिग्री में क्लॉकवाइज रोटेशन कराऊंगा तो देखिए क्या होगा, ये जो पीएच है वो कहाँ आएगा, यहाँ पास आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। एसआर कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, ओके। तो हमारा जो रोटेशन होगा क्या होगा, देखिए ये क्या हो गया हमारा पीएच, पीएच यहाँ आ गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ओके। और एसआर ग्रुप जो है क्या आ गया, यहाँ आ गया, है ना, सल्फर के पास लोन पैर इलेक्ट्रॉन है, ओके। हम लोगों ने क्या किया, 60 डिग्री रोटेशन करा दिया। अब 60 डिग्री जब हम लोगों ने रोटेशन कराया तो हमारा कंपाउंड कैसा बन गया, डबल बॉन्ड ओ, ये मिथाइल। अब देखिए यहाँ पर डाउन साइड में क्या आ गया, हमारा एस आर ग्रुप आ गया, है ना, डाउन साइड में, जिसके पास लोन पैर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो पोलर ग्रुप है। उसके बाद देखिए राइट में क्या है, हमारा पीएच फिनाइल ग्रुप है, तो राइट को हम लोग किससे शो करते हैं, अबव से शो करते हैं। तो राइट में हम लोग क्या करेंगे, पीएच को दिखा देंगे, ओके। उसके बाद लेफ्ट में हमारा क्या है, हाइड्रोजन। लेफ्ट को हम किससे शो करते हैं, बिलो से शो करते हैं, तो बिलो में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को दिखा देंगे, ओके। अब यहाँ पास हमारा क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है आएगा H-, LH+ H- आएगा। और कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉल एटम, ये क्या हो गया स्मॉल, ये मीडियम और ये हमारा लार्ज, ओके। लार्ज मैंने आप लोग को बताया था, पोलर ग्रुप को हमेशा क्या मानना है, आपको लार्ज ग्रुप मानना है, ओके। तो स्मॉल एटम क्या है, बिलो से है, तो एच माइनस क्या करेगा, बिलो से आएगा और इसको कार्बोनिल ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा। तो बिलो से आएगा तो देखिए यहाँ बस क्या बनेगा, बिलो में एच आ जाएगा, अबव में एल्कोहल आ जाएगा, रिड्यूस हो गया कार्बोनिल ऑक्सीजन रिड्यूस हो के, और यहाँ बस एस आर, ओके। अबव में पीएच है और बिलो में हाइड्रोजन है, ओके। ये हमारा मिथाइल, ओके। देखिए अब हम लोगों ने क्या किया था, रोटेशन किया था, तो जो हम लोगों ने रोटेशन किया था, प्रोडक्ट को उसी फॉर्म में नहीं छोड़ना है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री सब्सट्रेट का रहेगा वही स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो इसको क्या करो, फर्दर रोटेट करके आप लोग क्या करो, इस स्टीरियो केमिस्ट्री में ले आइए, है ना। दो ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास OH, और यहाँ पास फिनाइल आ जाएगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास SR ग्रुप हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, और मेटल को देखना है कि मेटल जो है किलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो डाइपोलर मॉडल को अप्लाई करो, कर रहा है तो क्रैमकिलेट मॉडल को अप्लाई करो, ओके। इतना समझ गया आप लोग, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ नहीं है। अगर लार्ज ग्रुप, अगर पोलर ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन एंटी नहीं है तो क्या करो, रोटेट करके एंटी बना लो, ओके। तो ये था हमारा डाइपोलर मॉडल का कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग समझते हैं कम्फोर्थ मॉडल को, है ना, वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टडी करेंगे सभी मॉडल के, है ना, और सभी मॉडल को अप्लाई करने का तरीका भी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक जो है वो अप्लाई करेंगे, ओके ओके। सो ये डाइपोलर मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना। अब फोर्थ हमारा है, फिफ्थ, है ना, अभी तक हम लोगों ने फोर्थ तरह के मॉडल जो है स्टडी कर लिए, क्रेम रूल, फेल्किन एंड मॉडल, क्रेम किलेट मॉडल, डाइपोलर मॉडल। अब हमारा फिफ्थ है कम्फोर्थ मॉडल, कम्फोर्थ मॉडल, ओके। सो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, है ना। दिस मॉडल वॉज
proposed by Comforth. ओके, Comforth ने ये मॉडल क्या किया था, प्रपोज्ड किया था. ओके, ये मॉडल हम लोग कहाँ अप्लाई करने हैं, वी कैन अप्लाई दिस मॉडल ओनली ना, सिर्फ व्हेन हेलोजन का हम लोग एक्स से शो करते हैं ना, सभी लोग जानते हैं, हेलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजिशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन. ओके, हम इस मॉडल को वहीं बस अप्लाई करेंगे जहां बस क्या हो, कार्बोनिल ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हैलोजन ग्रुप हो. अगर कोई और ग्रुप वहां पर हो गया तो हम लोग इस मॉडल को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना. मतलब हैलोजन ग्रुप अल्फा पोजीशन पे एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए. ओके, तभी हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल को अप्लाई करेंगे. ओके, अब अल्फा पोजीशन पे होने से इस मॉडल में क्या होता है उसको समझिए. व्हेन व्हेन अल्फा सब्स्टिट्यूएंट इज हैलोजन, देन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन का इंक खत्म हो रहा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड ऑन द हैलोजन विल रिपेल ईच अदर. When alpha substituent is halogen, then the electron pair of carbonyl oxygen and on the halogen will repel each other. Then the carbonyl oxygen and halogen इज एंटी विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर टू मिनिमाइज द रिपल्सन. ओके, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर. व्हेन अल्फा सब्स्टिट्यूट इन हैलोजन, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, एंटी रखेंगे, जिससे क्या हो, उनमें एक दूसरे में रिपल्सन ना हो. टू है ना, दैट्स वाई देन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड हैलोजन इज एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर टू मिनिमाइज द रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए, है ना. मैं मॉडल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ उसे. चलिए सबसे पहले रूल को समझ लेते हैं ना, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया. सबसे पहले रूल को समझ कर लेते हैं कि रूल क्या कहता है, उसके बाद हम लोग मॉडल के थ्रू से समझेंगे. ये कॉन्सेप्ट है ना, इस मॉडल को किसने दिया था, Comforth ने दिया था. और इस मॉडल को हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हैलोजन ग्रुप
प्रेजेंट हो कार्बोनिल ऑक्सीजन के। ओके, अब रूल क्या कहता है, रूल को समझ लीजिए। रूल नंबर वन, हैलोजन ग्रुप एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन मस्ट बी एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। ओके, रूल नंबर वन। तो अगर इस रूल को अप्लाई कराना है तो क्या होगा, देखिए इसका एग्जांपल समझिए। ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इस पर रिस्पेक्ट में ये क्या है, हमारा अल्फा है। ओके, ये क्या रहा हमारा अल्फा रहा, अल्फा पोजिशन। अब यहाँ पास क्या होना चाहिए, कोई भी हैलोजन ग्रुप, हैलोजन में क्या आएगा, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, फ्लोरीन, ये सब क्या आएगा, हैलोजन फैमिली में, फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो हैलोजन ग्रुप होगा वो क्या होना चाहिए, इसका एंटी होना चाहिए। तो यहाँ पास क्या आएगा, क्लोरीन आ जाएगा और CH3। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, अप्लाई कर दिया हम लोग, है ना, कार्बोनिल ऑक्सीजन और हैलोजन ग्रुप। अब यहाँ पास क्लोरीन के पास क्या होगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या क्या होगा, अल्फा पोजिशन है। ओके, रूल नंबर सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट, और यू कैन से स्मॉल एटम साइट। ओके, स्मॉल एटम साइट से न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ बस क्लोरीन अबव हाइड्रोजन CH3 PH। ओके, अब मैंने क्या ले लिया, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉल एटम साइड से। अब स्मॉल एटम कहाँ है, बिलो में है, तो अब कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिलो में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, हवा में क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पर Cl हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 PH। ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, है ना, एक और माइनर प्रोडक्ट बनता है, वो आप लोग बना सकते हैं। ओके, अब इसमें भी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें कहे एंटी रख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्रेम क्लेट रूल में आप लोग को बताया था, जो हैलोजन फैमिली है वो क्या करते हैं, किलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसकी वजह से अपने लोन पेयर को, मेटल को नहीं देता है। अब मॉडल के थ्रू समझे तो देखिए, इसे मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, हाँ ना, इसे इसमें समझिए, देखिए ये क्या है, हमारा कार्बन है, और ये क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ये येलो एटम हमारा क्या है, पीएच है। ओके, अब उसके बाद देखिए, CH3 कहाँ, यहाँ अबव में है, तो CH3 को मैंने क्या किया, अबव में, CH3 हमारा क्या है, रेड एटम है, और जो बिल बैक साइड में है, ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन बैक साइड में हमारा क्या है, ग्रीन एटम, जिसे हम लोग क्या कर, क्या यहाँ पर अंडरस्टेंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम है। अब डाउन साइड में क्या है हमारा, क्लोरीन, जिसके साथ क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेरे पास 2 ही है, यहाँ से लगा देता हूँ, है ना, चलिए समझिए, यहाँ पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, 1 2 3, ये क्या है हमारा,
क्लोरीन एटम है, इसके पास क्या है, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, है ना। अब हम लोग सीन क्यों नहीं रख रहे हैं, देखिए अगर मैं इसे सीन रखूँ तो क्या होगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो डाइपोलर मेथड में मैं आप लोगों ने बताया था। देखिए अगर मैं इसे सीन रख रहा हूँ तो सीन रखने से क्या हो रहा है, इस क्लोरीन एटम के पास क्या है, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वैसे ही इस ऑक्सीजन एटम के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होंगे, एक दूसरे के कम क्लोजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, और इसी रिपल्सन की वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अनस्टेबल क्यों करें सिस्टम को, हम लोग क्या करेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे ना, तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे एंटी रख रहे हैं। अब देखिए जब हम लोग एंटी रख दे रहे हैं तो एंटी रखने से क्या हो रहा है, ये क्लोरीन एटम को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इसके बहुत ही अपोजिट साइड में हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या हो गया, इससे बहुत ही फार हो गया, दूर हो गया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, इसमें रिपल्सन का कोई भी चांस नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लोरीन एटम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी कर रहे हैं, और जो अटैक करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, वो कहाँ से करा रहे हैं, हम लोग स्मॉल एटम साइड से, ओके। तो ये भी इसका क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, है ना। जब भी आपको हैलोजन फैमिली दिखे अल्फा पोजीशन पे, तब आप लोग समझ लीजिए कि कौन सा मॉडल लगेगा, हमारा कम्फर्ट मॉडल लगेगा, ओके। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। चलिए अगर हम लोग क्या ले लें, कोई एग्जांपल ले लें, ओके। ये हमारा हो गया कोई कंपाउंड, है ना, अल्फा पोजीशन हो गया, ये हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया, और मैं ने क्या ले लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, जैसे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास पोलर ग्रुप तो प्रेजेंट, पोलर ग्रुप तो है ही नहीं जो क्या करे, लिथियम के साथ किलेशन करे, तो किलेशन का तो कोई चांस ही नहीं है, है ना। चलिए रूल को अप्लाई करिए हम फोर्थ मॉडल को। सबसे पहला रूल क्या कहता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन और पोलर ग्रुप क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एंटी है कि नहीं, तो एंटी तो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, एंटी बना लो। अब एंटी बनाने के लिए क्या करो, रोटेशन करो, जैसा है वैसे ही रखो। देखिए मिथाइल ग्रुप क्या है, डाउन साइड में है, तो डाउन साइड में रख दिया। अब देखिए बी आर क्या है, फ्रंट में है, तो फ्रंट को किससे शो करते हैं, हम लोग राइट से शो करते हैं, तो राइट में क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, ओके। और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है, रोटेशन कराना है, और ये जो बी आर को मुझे क्या कर लाना है, इस पोजीशन पे लाना है यहाँ पास, तभी तो एक दूसरे का एंटी होगा ना। बी आर को मैं इस पोजीशन पे लाऊंगा तभी तो एक दूसरे का एंटी होगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पास 60 डिग्री क्या करूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दूँ, ओके। तो देखिए जो बी आर है वो कहाँ आ जाएगा, बी आर जो है वो यहाँ आएगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आएगा, और मिथाइल जो है वो यहाँ आएगा, ओके। तो हमारा प्रोडक्ट क्या, तो हमारा रोटेशन से क्या बनेगा, ये हमारा हो गया बी आर, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया मिथाइल, ओके। ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट, है ना। अब बना दीजिए इसे, डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड ओ। उसके बाद अब देखिए बी आर कहाँ है, अप साइड में, तो बी आर को कहाँ कीजिए, यहाँ। अब राइट साइड को किससे शो करते हैं, हम लोग अबव से शो करते हैं, तो अबव में क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, और बिलो में क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एंटी हो गया एक दूसरे के, एंटी फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, जो न्यूक्लियोफाइल है एच माइनस है, है ना, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एच माइनस ही तो मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अब एटम को देखिए, हाँ, स्मॉल एटम मीडियम एटम,
तो कहाँ से करना है, स्मॉल साइड से करना है। स्मॉल साइड कहाँ है, बिलो। तो ये कहाँ से अटैक करेगा इस कार्बोनिल ऑक्सीजन में, बिलो से करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए बिलो में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, अबव में OH हो जाएगा, रिड्यूस होकर अल्कोहल भी तो बनता है, बताया था ना मैंने रिडक्शन के। और ये BR हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा ME हो जाएगा। ओके, फिर फर्दर क्या करो, जो स्टीरियो केमिस्ट्री सबस्ट्रेट में रहता है वही स्टीरियो केमिस्ट्री आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में भी दिखाना है। तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पास मिथाइल को ले आइए, और यहाँ पास BR, और यहाँ पास हाइड्रोजन। ओके, ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कम्फर्ट मॉडल का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग अगर हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन कर रहे हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर रहे हैं, तो कौन से रूल को कब अप्लाई करेंगे और हम लोग कैसे उसे ध्यान में रखेंगे ना, उसका शॉर्ट ट्रिक को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। ओके, तो उसे हम लोग समझते हैं ना। ये जो है इतना बस, जो मैं पॉइंट बताऊँ उसे बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी किसी भी चीज़ का आप लोग ध्यान में मत रखो, है ना। बस इतना को बस ध्यान में रखो आप लोग, एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन, ओके। हाउ कैन वी अप्लाई हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, है ना, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस को। एनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, एनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसमें हम लोग एसिमेट्रिक सिंथेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी हम लोग अभी तक रूल पढ़े हैं, मॉडल पढ़े हैं, उसे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा सब्सट्रेट क्या होना चाहिए, अल्फा कायरल सेंटर, अल्फा कायरल सेंटर, अल्फा कायरल सेंटर हो, वो भी किसमें, एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो। ओके, ये हमें सबसे पहले देखना है। उसके बाद उसमें देखिए अब लोग पोलर ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, उसमें क्या देखना है आप लोग को, पोलर ग्रुप देखना है, पोलर ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी, अगर पोलर ग्रुप है ना, यस, पोलर ग्रुप नहीं है और पोलर ग्रुप है, यस, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, है ना। अगर हम लोग अल्फा कायरल सेंटर देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पास पोलर ग्रुप देखेंगे। अगर पोलर ग्रुप नहीं है तो क्या करो आप, कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे, अप्लाई क्रैम रूल या फिर फेल्किन एन मॉडल। ओके, क्रैम रूल में क्या करना है, लार्ज ग्रुप और सीओ को एंटी रखना है, फेल्किन एन मॉडल में क्या रखना है, लार्ज ग्रुप और सीओ को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है ना, सब मैंने आप लोग को बता दिया इसको, रूल को आप लोग लिख लेना। ओके, अगर पोलर ग्रुप नहीं है तो, अगर पोलर ग्रुप नहीं है कंपाउंड में तो क्या करोगे आप लोग, क्रैम रूल अप्लाई करो या फिर फेल्किन एन मॉडल अप्लाई करो। लेकिन अगर पोलर ग्रुप है
तो पोलर रूप है तो अब आपको यह देखना है कि किलेशन पॉसिबल है कि नहीं है। किलेशन पॉसिबल, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, नो और यस। अगर किलेशन नहीं हो रहा है ना, अगर किलेशन नहीं हो रहा है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? किलेशन रूल नहीं, किलेशन नहीं हो रहा तो कौन सा रूल? डाइपोलर, डाइपोलर मॉडल अप्लाई, डाइपोलर मॉडल। ओके, अगर किलेशन पॉसिबल है तो कौन सा रूल अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बताइए? क्रैम्स किलेट रूल। क्रैम्स किलेट रूल अप्लाई, क्रैम्स किलेट रूल। ओके, सिर्फ इस पॉइंट बस को आपको ध्यान में रखना है। अल्फा कायरल सेंटर में देखो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर पोलर ग्रुप नहीं है तो क्रैम रूल अप्लाई कर दो, फेल्किनेन मॉडल अप्लाई कर दो। पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसके बाद देखिए उसमें किलेशन होगा कि नहीं होगा। अगर किलेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग डाइपोलर मॉडल अप्लाई करेंगे। अगर किलेशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रैम किलेट रूल अप्लाई करेंगे। क्रैम रूल में देखिए, क्रैम रूल में क्या है कॉन्सेप्ट? लार्ज ग्रुप एंड सीओ एंटी। ओके, फेल्किनेन मॉडल में क्या है? लार्ज ग्रुप एंड सीओ क्या होगा? परपेंडिकुलर। डायपोलर मॉडल में क्या है? पोलर ग्रुप एंड सीओ क्या होगा? एंटी। ओके, क्रैम किलेट रूल में क्या होगा? पोलर ग्रुप एंड सीओ क्या होगा? सीन। ओके, ये सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इतने से आप लोग का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, है ना? आपका फोर्थ मॉडल क्या हो जाता है? वो अलग ही हो जाता है। उसके लिए तो सिर्फ क्या करना है आपको? हैलोजन आइटम देखना है, हैलोजन आइटम प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, अब चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें सभी इन सभी रूल को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ध्यान में रखने के लिए, फिर अपने नोट्स में आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए। ओके, है ना? तो डिफरेंट तरह के मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना? रूल भी मैं आप लोग को बता दूंगी कि कौन सा रूल लगेगा। आप लोग को अप्लाई करके प्रोडक्ट आप लोग को खुद बनाना है। फर्स्ट डबल बॉन्ड ओ पीएच ओ पी एच। ओके, रिएजेंट है हमारे पास एल आई ए एल
H4. Second example. CHO है, एल्डिहाइड, यहाँ पास बिलो में है हमारे पास N BN है, यहाँ पास अबो में मिथाइल है, ओके। और हमें रिएजेंट दिया गया है डबल बॉन्ड OME एंड O नेगेटिव LI पॉजिटिव, ओके। थर्ड है हमारे पास pH, अब हमें दिया है SME, यहाँ पास दिया है हमें डबल बॉन्ड O, रिएजेंट दिया है हमारे पास ZN BH4 का होल ट्वाइस, जिंक डाइबोरो हाइड्राइड, ओके। फोर्थ रिएजेंट है हमारे पास pH SME डबल वन ओ, रिएजेंट दिया गया है हमें LIR3 BH, लिथियम ट्राई एल्काइल बोरो हाइड्राइड, ओके। उसके बाद फिफ्थ है डबल बॉन्ड ओ एमी पास pH है, और रिएजेंट हमें दिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिक्स है हमारे पास है नाइट्रोजन, CO2 CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल थ्राइस दिया है, ओके। यहाँ पास है डबल बॉन्ड, यहाँ पास अबो में OH दिया गया है, और फिर यहाँ पास है डबल वन ओ, यहाँ पास दिया गया है एमी, रिएजेंट है हमारा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेवन नंबर में
A like B. Triethyl लिथियम ट्राइथाइल बोलोहाइड्रेट, ओके। ये 7 तरह के जो है डिफरेंट एग्जाम्पल है, ओके। इसमें आपको क्या करना है, जो मैंने 4 तरह की है ना, 5th तरह के जो भी मैंने आप लोग को मॉडल बनाया है वो से आपको अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर मैच कीजिएगा, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है हमको, अल्फा पोजीशन पे क्या करना है, पोलर ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पास पोलर ग्रुप यहाँ पास क्या है, प्रेजेंट है ना। और हमारे पास मेटल भी क्या है, लिथियम है। लिथियम मेटल क्या कहता है, ये क्या है, किलेटिंग मेटल है ना, किलेशन करता है। तो किलेशन करता है तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्रैम किलेट मॉडल अप्लाई करो प्रोडक्ट बनाओ, ओके। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या हो गया हमारा, एल्डिहाइड। इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कैसा पोलर ग्रुप है, बल्की पोलर ग्रुप है। अब बल्की पोलर ग्रुप है तो पोलर ग्रुप के साथ लिथियम क्या है, किलेशन नहीं करता है। अब किलेशन नहीं करेगा तो कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे, डाईपोलर मॉडल, ओके। किलेशन नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डाईपोलर मॉडल अप्लाई करेंगे। तो डाईपोलर मॉडल इसमें अप्लाई कीजिए, ओके। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पे SME है। अब सल्फर के साथ, सल्फर क्या है, ये है हमारा पोलर ग्रुप है। अब उसके बाद क्या है, जिंक है। जिंक जो है क्या करता है, सल्फर के साथ किलेशन इजिली कर सकता है। तो किलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पास कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे, क्रैम किलेट मॉडल। तो क्रैम किलेट मॉडल के थ्रू अप्लाई करो और प्रोडक्ट बनाओ आप लोग। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है हमारे पास, यहाँ पास भी क्या है, SME है ना, सल्फर है। अब यहाँ पास क्या है, लिथियम है। लेकिन लिथियम को हम लोग सभी जानते हैं, लिथियम जो है सल्फर के साथ क्या करता है, किलेशन नहीं करता है। तो यहाँ पास किलेशन पॉसिबल नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डाईपोलर मॉडल अप्लाई करोगे। तो डाईपोलर मॉडल के थ्रू आप लोग इसका प्रोडक्ट बनाइएगा ना, सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। उसके बाद फिफ्थ में देखिए, यहाँ पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है। उसके बाद कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन में देखिए, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, और लिथियम जो है किलेशन में पार्टिसिपेट भी करता है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्रैम किलेट रूल अप्लाई करेंगे, ओके। सिक्स में देखिए, ये क्या है हमारा, कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब कार्बोनिल ऑक्सीजन की ये क्या है उसका अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन जो है कायरल है। हाँ अल्फा पोजीशन क्या है, यहाँ पास कायरल है ना। देखिए अब यहाँ पास हाइड्रोजन को नहीं दिखाया, तो ये आपको खुद का अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो में होगा ना, ये आपको खुद का अंडरस्टूड है ना, उसमें नहीं दिया रहता। तो अब देखिए ये क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और इसके अल्फा पोजीशन पर ये देखिए, ये क्या है अल्फा पोजीशन। इसके साथ क्या है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। तो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, अब इसके साथ तो क्या करना है आपको, कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्रैम किलेट मॉडल अप्लाई करना है, ओके। तो इसमें आप लोग क्रैम किलेट मॉडल अप्लाई कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए। उसके बाद सेवन में देखिए, सेवन में क्या है, यहाँ पास OH है, और ये क्या है हमारा, कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसमें भी क्या है, OH जो है पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। तो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पास क्या है, लिथियम है। लिथियम क्या करता है, किलेशन करता है। तो किलेशन पॉसिबल है तो यहाँ पास क्या करो आप लोग, क्रैम किलेट मॉडल अप्लाई करो, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्रैम मॉडल से या फिर फेल्किनेन मॉडल से है ना, या फिर क्रैम किलेट मॉडल से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं नेट में, गेट में या फिर टीफर में है ना, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।